अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग, टेक्नोलॉजी कर्स रियली गिवन अस द रिजल्ट व्हिच शुड हैव बीन डिफरेंट। के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आईसीसी और अंपायर्स के ऊपर लगाया है। अब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन अंपायर ने आउट दिया, एविडेंस के साथ दिया है, तो इसका मतलब है आउट है। इसमें कोई बहस नहीं कि फ्रंट अंपायर ने आउट नहीं दिया है, लेकिन अगर आपके ग्लव्स पे, आपके रिस्ट पे बॉल लगी है तो दैट मीन आउट। कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है, हार गए हार गए। इस डिसीजन को लेके ये नहीं बोल रहे कि हम इनकी वजह से मैच हार गए। जी बिल्कुल ठीक डिसीजन था, और मेरा ख्याल है कि आप उसको कैसे, उन्होंने तीनों जाविया से चेक किया, जो अल्ट्राइज था उसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि जो रिस्क बैंड था उनकी बिल्कुल ग्लव्स के साथ था और बॉल उस पर लग कर गया, तो वो बिल्कुल आउट था मेरे ख्याल मुताबिक। अगर वो ग्लव्स के साथ ही थी उनकी, जो ग्लव्स का ऊपर का हिस्सा अगर उसको टच करके गया है, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने रिस्क बैंड बांधी हुई थी, तो अगर उसको टच करके गया तो क्रिकेट के कानून क्या कहते हैं। मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो कि मुझे हार पे वगैरह, टेक्नोलॉजी इज द कर्स, अंपायरिंग जो है वो फलानी, लानत तेरी दलील पे, लानत तेरे बोलने पे और लानत तुझे अपॉइंट करने वालों पे। लेकिन बार बार वो तो कंधे की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे रिजवान, आपको ये लगता है कि ये आउट है? देखिए बिल्कुल आउट था रिजवान का, मैं नहीं कह सकता। शायकी ने क्रिकेट बड़े मायूस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। आज मोहम्मद हफीज ने तो जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अंपायर्स को मुर्दे इल्जाम ठहराया। अगर आप देखें मोहम्मद हफीज ने आज ये भी कहा कि आधा घंटा हमारे लिए मुश्किल हुआ वरना जीत जाते। तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल शर्मनाक हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज ने बहुत ही ज़्यादा अंपायरों को टारगेट किया। मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी को टारगेट किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि थर्ड क्लास अंपायरिंग थी और साथ ही साथ बेकार किस्म की टेक्नोलॉजी थी, उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हम मैच हारे वरना हम मैच जीत सकते थे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मोहम्मद हफीज के इस बेतुकी बयान पर, इस बेतुके बयान पर एक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की देख ले या फिर अंपायरिंग देख ले, जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने तो नॉट आउट ही दिया था, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, रिव्यू में जब मोहम्मद रिजवान के ग्लव्स के साथ इधर बॉल लगकर जा रही थी वो सबको दिख रहा था, फिर भी मोहम्मद हफीज बोल रहा है कि अंपायर ने गलत आउट दिया, अंपायर ने ऐसा किया, ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी में ये है, अंपायरिंग की टेक्नोलॉजी में ये है। तो इस पर पाक ने जमकर मोहम्मद हफीज की ले ली है। तो इसे देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद जय भारत। लेकिन जो अंपायरिंग है, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर तनकीद की है पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने उनकी। बाजी भट्टी साहब, सिर्फ अंपायरिंग पे ही तनकीद करना या टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाना, क्या ये दुरुस्त है? चूंकि हम तो 95 से नहीं जीते हैं कि 79 रन की डिफीट को मामूली डिफीट नहीं, हमको 7 रन से या 17 रन से नहीं हारे, तो इस तनाजे का कोई फायदा होगा? हमें देखें, मुझे तो खदशा है कि मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने घर में भी तो नजरसानी करने की जरूरत है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स क्यों नहीं है। हमारा एक प्लेयर 50 रन बनाकर अपने लिए खेलता है और आउट होकर चला जाता है, वो उस क्लास के प्लेयर कहाँ है जो इस 50 को 100 में कन्वर्ट करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं। अभी क्रिकेटर्स कुछ कप्तानों से बात की, उन्होंने कहा कि रिस्ट बैंड पे अगर लगे तो ये आउट ही कहलाता है, क्योंकि वो रिस्ट बैंड ग्लव्स का पार्ट ही होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आप चले हिंट दे सकते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ या हमारे हक में फैसले नहीं आए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी कर्स बोल दें, आप बोले जी इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग, आप थोड़ा सा मुझे लगता है बात आगे चली गई है। असल में आईसीसी को भी अब अपने लॉस पर, अपने जो कवानीन है उन पर नजरसानी करने की जरूरत है। ज़ाहिर है अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो काफ़ी मुतासर हो रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने दुनिया के एक बहुत बड़े अंपायर से एक दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक पिच पर अगर उस सॉफ्टवेयर ने LBW पर जो बाउंस रखा हुआ है पहले दिन, तो ज़ाहिर है वेयर एंड टेयर पिच में चेंज आता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के वेयर एंड टेयर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो टेक्नोलॉजी पर तो साल साल से सवाल उठ रहे हैं, और प्लेयर अगर क्रिटिसाइज करें या रद्दअमल दें उन पर फाइन होता है, या अगर ऑफिशियल्स अंपायर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करें तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। तो अंपायरों के लिए भी तो ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए कि उनके एक फैसले की वजह से टीम का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो हफीज इतनी दुख वाली हालत में ये सारा कुछ बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हफीज
79 रनों से शिकस्त हुई दूसरे टेस्ट मैच में। मतलब कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराना पाकिस्तान की टीम के लिए एक तरीके से आप देखें तो सपना ही रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं, और पीछे भी पाकिस्तान की टीम की बस की भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी फाइटबैक की, अच्छी टेस्ट क्रिकेट दिखाई कि वो चौथे दिन तक गेम को लेके चले, और क्या ही शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी यार परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो कि जिस तरीके का फाइटबैक ऑस्ट्रेलिया ने किया और पाकिस्तान ने भी अच्छा फाइटबैक किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एंड में आकर बहुत ही अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली और अच्छी गेंदों, अच्छे बॉल की, अच्छी बॉलिंग की, जिसमें दाग देनी पड़ी कि पैट कमिंस की, कि उन्होंने मोर्चा संभाला। और इस पूरे टेस्ट मैच में पैट कमिंस ने 10 विकेट लिए, पहली इनिंग में 5 विकेट वॉल लिया और दूसरी इनिंग में भी 5 विकेट वॉल लिया, और पाकिस्तान की बैटिंग को एक तरह से बिखेर दिया जिस तरीके की पैट कमिंस ने बॉलिंग की, मतलब किया लाजवाब। और साथ में मिचेल स्टार्क ने जो टेलेंडरों को आउट किया वो भी बड़ी अच्छी मिचेल स्टार्क की ओर से हमें बॉलिंग देखने को मिली। मतलब कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया हावी रहा दोनों टेस्ट मैच में, वो दोनों टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके की बैटिंग भी पहले की, बॉलिंग भी की, पाकिस्तान के पास एक मौका था कि जो 16 टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेला है अभी तक, जिसमें पाकिस्तानी टीम 16 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें पाकिस्तान की टीम, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। 16 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले जिसमें पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट नहीं जीता। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ऊपर कितनी ज़्यादा हावी है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो तो आप लोगों को पता ही है। जिस तरीके से इंडिया ने हराया था उसके बाद किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया, और एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात तो ये है इस टेस्ट मैच में, दोनों टेस्ट मैच में, कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेट ली, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों बार ऑल आउट किया, यही एक पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 1995 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ऑल आउट नहीं किया था। इस आंकड़े को जानकर आपको हैरानी होगी कि 1995 में के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक भी बार ऑल आउट नहीं किया तो किया। तकरीबन आप देखें तो कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, 15-20 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में ऑल आउट किया। तो पाकिस्तान के लिए ये एक रिकॉर्ड है जो कि अच्छा है। उसके अलावा तो पाकिस्तान के लिए इस पूरी टेस्ट श्रृंखला में कोई पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव है तो एक जो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, जो बॉलिंग में नए नए लड़के वो जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में जो मोहम्मद रिजवान का जो डिसीजन था, जो अंपायर ने आउट नहीं दिया था लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने रिव्यू लिया और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को आउट दिया गया, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार किस्म की क्रिकेट खेली और बहुत ही धाकड़ तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है। और इस श्रृंखला टेस्ट श्रृंखला जो कि 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1-0 की अजय बढ़त 0-2 की अजय बढ़त ले ली है, और तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान बुरी तरह हारने वाला है, आप लिख के ले लो। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।